प्रयागराज व अन्य जिले में हुई हिंसा पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। 25 करोड़ की आबादी में सरकार की योजना सभी के पास पहुंच रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान किया जा रहा है और किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को विकास देना चाहती है और राज्य में खुशहाली चाहती है। वहीं सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि सभी प्रदेशवासी शांति बनाए रखें, हमें प्रेम से रहना है। अगर किसी को कोई समस्या है तो लिखित रूप में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपने डीएम को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ उत्तर प्रदेश चल रहा है, कृपया सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, अब मैं सबको कहूंगा शांति बनाए रखें। देखिए आप लोग की जितना प्रेम से रहेंगे बात कानून को अपना, आप लोगों की कोई समस्या है आप उसका आप लिखित आप मुख्यमंत्री जी को दे सकते हैं, अपने डीएम आवास पे दे सकते हैं। पत्थर मारना नमाज के बाद ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा आप लोगों पत्थर मारे, अब उन लोगों को चिन्हित करके प्रशासन उन लोगों के घर को कुर्की कर रही है, बुलडोजर चलाएगी। अगर आप लोग कोई भी गलत काम करेंगे ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पूज्य महाराज जी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, चुनी हुई सरकार है। कानून का उल्लंघन जो भी करेगा उसको सज़ा होगी और वो कानून के दायरे में उसको डेफिनेटली लाया जाएगा। गलत काम करके सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करके किसी को डराना, भय पैदा करना, उसकी सज़ा ज़रूर है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ उत्तर प्रदेश चल रहा है, भारत चल रहा है, ये आप सब लोगों को जहन में रखना चाहिए। आपकी समस्या जो भी है आप उसको लिखित दें मुख्यमंत्री जी को, लेकिन आप लोग इस तरह दंगा उत्पाद ना करें, ये हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन। उत्तर प्रदेश ठीक चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। सबसे अच्छा ही बात है कि यहाँ कानून का राज है, किसी प्रकार का है। मान लीजिए कुछ लोग ऐसी गड़बड़ियां करते हैं तो कानून अपना काम करता है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी में हिंदू और मुसलमान, मुस्लिम भी सभी, उन सभी की मंशा है भाई। देखिए सरकार की योजना सभी के पास पहुंच रही है, कोई भेदभाव नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबकी के विश्वास के साथ कोई भेदभाव नहीं है। और दोनों मिलकर गरीबी से लड़ रहे हैं, गरीबों को विकास करना चाहते हैं, राज्य की खुशहाली चाहते हैं, वह भी राज्य की खुशहाली हम भी चाहते हैं। कुछ लोग शरारती तत्व होता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है।